एक इलाके के लोग हैं, लेकिन ऐसे 10-12 गांव को बुलाते हैं नॉर्मली। तो सुबह सुबह इसको पापा चाहिए, पापा कर रहा है ये, पापा गया उधर, इसको पापा चाहिए। तबीयत खराब है, क्या हो गया? इसको सर्दी हो गया, मेरा हुआ था जो, अभी इसको हो गया है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो अभी तो मैं नहा लिया, तो अभी तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो अभी तो मैं नहा लिया और कल मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, सर्दी खांसी, उसके वजह से दो इंजेक्शन दिया, उसके बाद मेडिसिन भी खाया। तो अभी काफी हद तक ठीक हूँ मैं कल के मुकाबले। आज मैं 7:30 बजे उठा, कल उठा था मैं 10 बजे। क्या है मंशु? तो आज है वो प्रोग्राम भंडारा जैसा, जिसमें खिलाएंगे सभी लोग को। जीजू के पापा का डेथ हो गया, वो इधर के थे तो इधर खिलाना पड़ता है, तो इसी का ही प्रोग्राम का ये सब चल रहा है। करीबन 400 से 500 लोग होंगे, इतने ही होंगे। तो थोड़ी देर बाद कुछ खाऊंगा, अभी मैं इधर हूँ, बाहर निकल आया नहा धो के। गिलास बाटो के राधिका, क्या थाली और मैं क्या बाटू? प्लेट प्लेट तो बांटेगा ना कि राधिका? हम गिल से सबको देंगे। क्या गिल से सबको देंगे? दादी ना सबको कुर्सी देगी। तो इधर तो पेंडल बनाया है थोड़ा सा छोटा सा, इधर खाना बनाएंगे, खाना वगैरह इधर ही बनाएंगे, रेडी कर रहे हैं अभी। अभी तो 8 बजे है ना, मतलब खाना पीना रात को होगा, लेकिन अभी से तैयारी करना है क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और इतनी जगह में बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनेगा और खाना खिलाना भी पड़ेगा, खिला के फिर जा पाएंगे ना, तो उसके वजह से पहले से काम चालू है अभी। तो अभी खाने के लिए कुछ ऐसा बना नहीं क्योंकि बहुत सारा काम है सभी लोगों का, तो ऐसे ही चाय पी रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं चाय नहीं पीता, लेकिन अभी क्या करें, चाय पीना होगा, बिस्किट खाऊंगा चाय के साथ डुबा डुबा के। और बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ मतलब लोग है काम कर रहे हैं, इसके वजह से मैं इधर आ गया। ये वाला बनाया अभी कुछ दिन पहले, बस लोग ऐसे टेम्पोररी बनाया, बाद में अच्छे से बनाएंगे, अभी तो मैं चाय पीता हूँ। और इधर है दूध, इस दूध से कुछ बनेगा, लस्सी टाइप बनेगा कुछ, मुझे नहीं पता लेकिन बनेगा इतने सारे दूध से। और 50 kg चीनी है इसके वजह, इसके साथ 50 kg चीनी इतने दूध के साथ कुछ बनाएंगे। और इधर चल रहा है खाना पीना बनाना, तो बाबू पूरा इधर खेल रहा है, मतलब आज बहुत सारे लोग हैं और बच्चे लोगों के साथ, राधिका लोगों के साथ, राधिका मतलब सभी के साथ, हिमांशु के साथ खेलते रहते हैं, हिमांशु नहीं खेलता, हिमांशु बैठे रहते हैं। तो आज बाबा ही पूरा खेल रहा है, इधर लोग भी आए हैं, अभी तो मैं इधर बैठा हूँ क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं है इधर ज्यादा। तो मैंने जो लस्सी के बारे में बात किया था यही है, ऊपर बूंदी है, नीचे दूध चावल वगैरह, कुछ चावल नहीं है, कुछ और है दूध वगैरह, लस्सी टाइप है, ये बना के इधर रखेंगे, इधर रख दिया अभी ठंडा होने के लिए। अभी हम लोग जग लेने जाएंगे दो सामने के घर से ही। तो अभी मैं पापा आलू छिलने का काम करेंगे, बाकी लोग हवन करेंगे, हम लोग आलू छिलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा आलू है, टाइम लगेगा, इसके वजह से सभी मिलकर छिलेंगे। इधर अभी भी काम चालू है, मतलब काम होता ही रहेगा, राहुल लोग धोती पहन रहे उधर, तो करते हैं आलू छिलने का काम। तो सभी ने मिल गई ये आलू छीला, इतने बहुत सारे आलू थे इसमें, तो हम लोगों ने छीला मिलके सभी ने, मैं अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, मैं अकेले नहीं ले रहा। ए बुआ जी दुख में थे, आपका नंबर किधर है मेरे पास? तो मैंने किया था आके, क्या प्रीति 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 तो इधर गली में हम लोग खाना खाएंगे, मतलब जगह वाला इधर कम है क्योंकि इधर चारों तरफ खाना बन रहा है, खाना बन गया। तो अभी खाना पीना खा लिया मैंने, मतलब बहुत लोगों के साथ बैठ के खाया इधर ही, इधर बन रहा है खाना, मतलब यही अपडेट है कि खाना अभी भी बन रहा है, बन गया काफी हद तक। ओके लोग आए हैं ऐसे ही खाना पीना खाए, दोस्त वगैरह बहुत सारे लोग है, कौन क्या है इतने अच्छे से नहीं पता, लेकिन दोस्त है, बुआ लोग आए हैं, भाभी लोग आए हैं, बहन लोग आए हैं, भांजी लोग आए हैं, कौन कौन नहीं आया, सभी लोग आए हैं। तो अभी हो गया है शाम और हम लोग थोड़ा घूमने निकले हैं सभी के साथ। मैं निकला था, मैं इधर चाय पीने आया था एक भैया के साथ, मतलब भैया बुला के लेके आए, तो मैंने चाय पी लिया। मैं चाय नॉर्मली पीता नहीं, मम्मी पीना दी, बाबली वो दीदी रीमा उनकी दीदी। तो मैं इधर के बाजार में आया था, बहुत ज्यादा भीड़ है बाजार में,
इतना ज्यादा भीड़ तो हमारे टाउन पे भी नहीं होता जितना इस गांव में है, गांव के बाजार में है। साइड से पूरा बाजार मतलब दुकान लगा है और इधर रहे दीदी लोग, इधर भी दुकान सब है। मैं आया था अभी बाजार से, बस दीदी लोग आए नहीं, मैं बाबू को लेके आ गया, बाबू है इधर ही, मैं लेके आ गया। इधर बहुत चालू हो गया, मतलब अभी 7 भी बज चुका है तो 7 बजे शुरू हो जाएगा, 7 नहीं 6:30 बजे, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। तो यही है भोज, मतलब ऐसे ही लोगों को बुला के बिठा के खिलाते हैं। इधर बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब इधर तो ज्यादा लोग नहीं आए, मतलब एक इलाके के लोग हैं, लेकिन ऐसे 10-12 गांव को बुलाते हैं नॉर्मली। तो मैं पानी वगैरह मतलब पानी फिर ग्लास प्लेट वगैरह दे रहा था। इधर इतना ज्यादा भीड़ है, मैं बाकी सामान देके मतलब मेकअप कर नहीं सकता, बाकी लोग देंगे मतलब दाल वगैरह चावल वगैरह, तो बाकी सब बाकी लोग ही दे रहे हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, इधर का लोग ही है सभी देने वाले लोग। मतलब बहुत सारे लोग बैठते एक साथ, मैं दूंगा तो मेरे कैपेसिटी के अंदर है ही नहीं, इधर अलग सिस्टम ही है। तो दोस्तों अभी तो मेरा खाना हो गया था, मतलब लास्ट में हम लोग 4 लोग खाए, दीदी मैं रीमा और एक भांजी जैसा जो जिसका शादी हो गया, मेरे से छोटी है लेकिन शादी हो गया, तो 4 लोग मिलके खाए, बाकी लोग तो खा चुके थे पहले ही। और पूरा मतलब इधर का जो इधर खाना खिलाए थे मतलब सभी को, भंडारा इधर ही हुआ था, तो अभी सब कुछ खत्म हो गया और इधर कोई भी नहीं है मतलब, और इधर मैं अकेले वॉइस दे रहा हूँ, और मतलब बहुत सारे लोग आ गए मतलब घर पे मेहमान वगैरह, तो उन वो लोग रहेंगे रूम पे। तो आज का सब कार्यक्रम खत्म हो गया, अभी कोई भी नहीं है, हम लोग ही है, हम लोग सोएंगे, उसके बाद कल देखते हैं क्या होता है। तो ये ब्लॉग मैं इधर ही एंड करूंगा क्योंकि कुछ भी बचा नहीं, तो आज का ये ब्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ। तो हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वैसे आज लास्ट में काफी कुछ दिया था, मतलब थोड़ा बहुत हेल्प किया था क्योंकि इधर का मैनेज कर नहीं सकता क्योंकि बहुत अलग तरह का है, कैटरिंग वगैरह नहीं है और बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, मतलब अलग ही सिस्टम है, इसके वजह से पहले दिया नहीं, लास्ट में थोड़ा बहुत दिया। तो अभी तो हो गया खत्म, अभी जाएंगे और फिर सोएंगे।